फ्रेंड्स, और क्या हालचाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न 5 साल पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न है, नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन ए प्रकाश भट्ट, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ले। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1850 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ, 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, साकेत किस युग की रचना है। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी प्रगतिवादी युग, ऑप्शन सी छायावादी युग, ऑप्शन डी द्विवेदी युग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्विवेदी युग। नेक्स्ट देखेंगे, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है, विचार प्रवाह के लेखक हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रामरिच बेनीपुरी, ऑप्शन डी विनय मोहन शर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखेंगे, मतवाला और सुधा पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी गुलाब राय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट देखेंगे, सातवां प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी राय कृष्ण दास। तो फ्रेंड्स, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राजश्री कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, त्यागपत्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ऑप्शन ए ईसा लखा, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1920 ईस्वी, 1918 से 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1850 से आज तक, ऑप्शन डी 1919 से 1938 ईस्वी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1919 से 1938 ईस्वी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, 100 जान 1 सुजान के लेखक हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर वासुदेव सरण अग्रवाल, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव सरण अग्रवाल, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। विद्यानिवास मित्र निबंधकार हैं। ललित निबंधों के, विचारात्मक निबंधों के, मनोवैज्ञानिक निबंधों के, भावनात्मक निबंधों के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ललित निबंधों के। नेक्स्ट देखेंगे, कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी उपेंद्रनाथ अस्क। तो कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। नेक्स्ट देखेंगे, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिचंद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, निबंध विधा की प्रारंभ किस युग से हुआ। ऑप्शन ए शुक्ल युग, ऑप्शन बी
आधुनिक काल से, ऑप्शन सी शुक्लोत्तर युग से, ऑप्शन डी द्विवेदी युग से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द्विवेदी युग से। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला सर्वप्रथम विद्वान है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ले। नेक्स्ट है लहर के रचनाकार हैं ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है 84 वैसुड़न की वार्ता के लेखक हैं ऑप्शन ए विठलनाथ, ऑप्शन बी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी चतुर्भुजनाथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोकुलनाथ। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं ऑप्शन ए कुट्टज, ऑप्शन बी रुस्वामिनी, ऑप्शन सी आत्मनेपद, ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रुस्वामिनी। नेक्स्ट है राजर्षि प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है ऑप्शन ए भाग्यवती, ऑप्शन बी नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन डी राजा भोज का सपना, ऑप्शन डी प्रेम सागर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर का प्रश्न है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ ऑप्शन ए भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त। नेक्स्ट है सागर की लहरों पर किसकी रचना है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती, ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो सागर की लहरों पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट है जायसी की पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी फारसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये अवधि। तो फ्रेंड्स ये थी क्लास 12 हिंदी के 30 महत्वपूर्ण रचनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।